वेलकम टू बियास होममेड डिशेस। आज मैंने कैबेज के पराठे बनाए हैं जो ब्रेकफास्ट में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो आपको बताती हूँ मैं बनाने का तरीका। तो आप इसके सारे इंग्रेडिएंट्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा। देखिए मैं इसके लेयर खोलकर बताती हूँ कितने अच्छे बने हैं। देखिए ये गर्मा गर्म पराठे नाश्ते में बहुत अच्छे लगते हैं। कैबेज के पराठों के लिए आटा गूंद लेंगे। मैंने मैदा लिया है, उसमें थोड़ा सा मैं हरा धनिया डालूंगी, हाफ टी स्पून जितना जीरा डालूंगी, हाफ टी स्पून जितना मैंने नमक लिया है। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें अब पानी डालकर अच्छे से आटे को गूंद लेंगे। पानी को थोड़ा थोड़ा कर कर हमें डालना चाहिए और अच्छे से मिलाती जाऊंगी। एक सॉफ्ट डो बना लूंगी, बहुत हार्ड नहीं रखना है हमें इसे। मैंने आटे को अच्छे से गूंद लिया है। देखिए हमारा आटा थोड़ा सॉफ्ट है, बहुत हार्ड नहीं गूंदा है। इसे एक टीस्पून जितना ऑयल डालूंगी, बस हमें ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है। अगर आप बहुत मुलायम पराठे चाहते हैं तो इसमें आटे में थोड़ा सा ऑयल डाल सकते हैं, डालकर गूंद सकते हैं। हमें क्रिस्पी पराठे चाहिए इसीलिए मैंने इसमें ऑयल नहीं डाला है, सिर्फ ऊपर से थोड़ा सा लगाया है। बस इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी मैं। चलिए कैबेज के पराठों के लिए मैं इसको मसाला तैयार करूँगी। मैं थोड़ा सा ऑयल डाल लूँगी, 2 टेबल स्पून जितना मैंने ऑयल डाला है। मैं पत्ता गोभी को थोड़ा सा उसका पानी सुखा लेंगे, बस ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। अगर वो कच्चा डाल देंगे तो उतना टेस्टी नहीं बनेगा, हमारे मसाले अच्छे से उसमें वो नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए हमें थोड़ा सा उसे पकाना है, सिर्फ उसका कच्चापन जाने का। देखिए मैंने ऑयल डाला है, इसमें थोड़ा सा 1 टीस्पून जितना जीरा डालूंगी। देखिए हमारा जीरा अब हो चुका है, मैं थोड़ा सा कड़ी पत्ता डालूंगी। अब उसमें मैं बारीक कटा हुआ कैबेज डाल दूंगी। मैंने सारा कैबेज इसमें डाल लिया है, 1 मिनट के लिए मैं इसे ढक लूंगी। देखिए हमारा कैबेज अब नीचे थोड़ा सा बैठ गया है। अब मैं इसमें हल्दी पाउडर डालूंगी, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जितना मैंने रेड चिली पाउडर लिया है, हाफ टी स्पून नमक लिया है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून चाट मसाला लिया है। चाट मसाले के अगर चाट मसाला ना हो तो आमचूर पाउडर भी आप डाल सकते हैं। 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाला है मैंने और थोड़ा सा हरा धनिया डाला। अब इन सब मसालों को हाई फ्लेम पर मैं अच्छे से इसका पानी सुखा लूंगी। बस हमें ज़्यादा इसे गलाना नहीं है, सिर्फ इसका पानी सुखाना है। ये मसाले भी अच्छे से इसमें मिल जाए तब तक मैं भूनती रहूंगी। देखिए हाई फ्लेम पर मैंने इसका सारा पानी सुखा लिया है। बस अब हम इसे ऑफ गैस को ऑफ कर देंगे, इसे ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे। देखिए हमारा आटा अच्छे से बाइंड हो गया है। हाथ को थोड़ा सा ऑयल लगा कर मैं इसे अच्छे से चिकना कर लूँगी, अच्छे से मिक्स कर लूँगी। 1 मिनट तक मैं इसे अच्छे से ऐसे मिक्स कर लूँगी। देखिए मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। अब इतनी छोटी छोटी मैं लोई बनाऊंगी, बिल्कुल इतने साइज की। देखिए देखिए अब मैं इसे सूखे आटे में ऐसे लगाकर थोड़ा सा बेल लूंगी। जैसे आप रोटी बेलते हैं उतने साइज का मैं बनाऊंगी। हम इसे और थोड़ा बड़ा कर लेंगे,
किनारों में हमें अच्छे से बेलना है। ये हमारा एक पराठे का हो चुका है और एक मैं ऐसे ही बेल लूँगी। देखिए और एक भी मैंने ऐसे ही बेल लिया है। अब थोड़ा सा नीचे आटा डस्ट करूँगी, ऐसे इसको डाल लूँगी। देखिए मैं अच्छे से साइडों में इसे इक्वल कर लूँगी, सारी जगह अच्छे से वो फैला लूँगी। देखिए मैं अच्छे से इसे फैला चुकी हूँ और इसे लास्ट में जो पराठे के कोने होते हैं वहाँ पर थोड़ा सा हमें पानी से चिपका लेना है। हम जब पराठे को सेकते हैं तो वो खुल जाता है, इसीलिए हमें राउंड इसके पानी लगाना है, थोड़ा सा, बिल्कुल ज़्यादा नहीं वरना ये गीला हो जाएगा। बस इतना थोड़ा सा लगा लिया है और इस पर ये पराठा मैं अच्छे से रख दूँगी। देखिए ऐसे हमें अच्छे से जॉइंट कर देना है, अच्छे से कोनों को दबा लिया है और मैं ऐसे हाथों से इसे अच्छे से दबाऊंगी ताकि हमारा मसाला अच्छे से पराठे में सेट हो जाए। इसमें बीच में भरकर भी आप बना सकते हैं लेकिन वो ऊपर से निकल जाता है, हमारा पराठा टूट जाता है, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। देखिए हमारा तवा अब गर्म हो चुका है, अब मैं इस पर पराठा डाल दूँगी। मैंने हाई फ्लेम पर तवे को अच्छे से गर्म कर लिया था, अब मैंने फ्लेम को लो कर ली है, लो पर ही हम इसे पकाएंगे। अब मैं इसे पलटा लूँगी। अब मैं इस पर देसी घी लगा लूँगी, आप बटर ऑयल जो भी चाहे आप लगा सकते हैं, इस पर घी बटर ही बहुत अच्छा लगता है। मैंने इस पर देसी घी लगाया है और फ्लेम को लो ही रखा है मैंने ताकि हमारा पराठा अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। पलटा कर भी मैं इस पर थोड़ा सा घी लगाऊंगी, अब जितना भी लगा सकते हैं, कम चाहे तो कम लगा सकते हैं। ऐसे दबाते हुए अच्छे से हम इसे सिकेंगे हमारे पराठे। अब हम इसे फिर से पलटाएंगे और इस साइड भी अच्छे से ऐसे दबाते हुए चारों कोनों में अच्छे से सेकेंगे। फ्लेम को हमें लो ही रखना है, हाई करेंगे तो जल जाएगा पराठा। ऐसे ही हमें अच्छे से सेक लेंगे। देखिए हमारा सारा पराठा अच्छे से हो चुका है, अब मैं इसे निकाल लूँगी। दोनों साइड ऐसे ही हमें अच्छे से सिकना है। देखिए हमारे पराठे बनकर रेडी हो चुके हैं और बहुत गर्मा गर्म मज़ेदार लग रहे हैं। आप इसे केचप के साथ और कोई भी चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।